एपिसोड 167 पुअर डिसीजन। इस बार विधि जब स्टेज पर गई तब वो यूजुअल से ही काफी अलग थी। अपने पुराने दिनों में वो अपने एटीट्यूड के साथ कुछ इस तरह गाने गाती थी कि लोग उसके गानों के साथ प्यार में पड़ जाते थे, लेकिन इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने की धुन को सुना जा सकता था। स्टेज पर पड़ रही लाइटों के बीच विधि हाथ में माइक पकड़े खड़ी थी। वहाँ बैठी ऑडियंस और मीडिया की नजरें सिर्फ विधि पर टिकी हुई थी। उसने माइक को अपने मुंह से लगाया और गाना शुरू कर दिया। बैकस्टेज ड्रेसिंग रूम के अंदर सब लोग हैरान हो गए। क्या ये लड़की अब क्या करना चाहती है? देवी डांस एंटरटेनमेंट के सारे लोगों के मन में बस यही एक सवाल था। मेघना ने अपने दांत चबाए और चिल्लाकर सबसे पूछने लगी, इसने अपना गाना कब बदला? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जीवा की मेघना के साथ आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। विदुषी ने ये गाना जानबूझकर चुना है। इस गाने की कंपोजिशन तो उसके सिंगिंग स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं होती। विधि का गाना सुनकर प्रिया शर्मिंदगी से भर गई। स्टेज पर विधि गाना गाने के साथ डांस कर रही थी। एवरेज था और इस गाने को गाने के लिए कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं थी। ये गाना सुनने में भी खास नहीं था। ऑडियंस ऐसे गाने को किसी फेस्टिवल में एंजॉय नहीं करती थी। और तो और गाना गाते समय विधि बिल्कुल भी गाने पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी मेंटल स्टेट गाने से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। विधि बिना कोई स्पेशल इम्प्रोवाइजेशन के उस गाने को बस गाती जा रही थी। उसका मेकअप बहुत लाइट था और वो गाने के थीम से बहुत डिफरेंट लग रहा था। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से विधि एज अ सिंगर बोरिंग दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेघना गुस्से से पागल हो जा रही थी। इस लड़की ने इस बार बहुत बुरा डिसीजन लिया है। दोनों टीमें सिर्फ दो ही जगह खाली थी। ये लड़की उत्कर्ष की टीम में आने के लिए अपना 100% क्यों नहीं दे रही है? जब से अनिरुद्ध ने विदुषी को उसके डेब्यू में मदद की थी तब से विदुषी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफी सारे प्रोड्यूसर अच्छी तरह से जान गए थे। मेघना को विदुषी के इस डिसीजन के पीछे का रीजन नहीं समझ आया। इस लड़की के लिए कोई भी प्रोड्यूसर सिलेक्शन बजर नहीं दबाएगा और ये लड़की एलिमिनेट हो जाएगी। जीवा ने विधि की परफॉर्मेंस न देखने की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लिया। सत्या भी विधि के इस डिसीजन से खुश नहीं था। अच्छा होगा कि विदुषी अपने परफॉर्मेंस खत्म करके हमें इस गाने को चूज करने की एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दे दे, वरना मैं कंपनी को सजेस्ट करूंगा कि विदुषी अब उनके सपोर्ट के लायक नहीं है। प्रिया की सिचुएशन को देखकर परफॉर्मिंग पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद समझने वाली थी, लेकिन इस बार विधि ने अपना 100% ना देने की वजह से बहुत बड़ी गलती की थी। मेघना अपना गुस्सा शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आखिर में उसने अपने दांत चबाए और बोली, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ सत्या, अगर विदुषी ने इस बार रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं कंपनी को बोलकर उसके सपोर्ट रिसोर्सेज को किसी दूसरे आर्टिस्ट पर ट्रांसफर करवा दूंगी। तो क्या हो गया अगर विदुषी मोहित की गर्लफ्रेंड है? वेवे डांस एंटरटेनमेंट में किसी भी तरह के नेपोटिज्म को अलाउ नहीं किया जा सकता, बल्कि इस रूल को मोहित ने खुद बनाया था। बेशक मोहित आसानी से विधि को फाइनेंशियली संभाल सकता था, लेकिन मेघना के हिसाब से विदुषी अपने रिसोर्सेज को एज अ ग्रांटेड ले रही थी। मेघना को बेझिझक विधि पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसको विधि की फिक्र थी। ड्रेसिंग रूम की दूसरी तरफ मुक्ति टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। विदुषी, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने ऐसे गाने को चूज करने की गलती कैसे कर दी? वैसे अच्छा ही है, ये गाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का है। मुक्ति आगे हंसने के लिए धीरे धीरे सांसें लेने लगी। चेतन टीवी स्क्रीन को देख कर चिढ़ गया। कुछ तो गलत हो रहा है। टीम में सेलेक्ट होने के लिए दो जगह बची है और ये विदुषी उत्कर्ष की टीम में जाने के लिए अपना 100% क्यों नहीं दे रही है? या तो ये टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहती, वरना उत्कर्ष सिंह जैसे प्रोड्यूसर की टीम में आना कौन नहीं चाहेगा? चेतन गहरी सोच में पड़ गया। स्टेज पर विधि 6 प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी परफॉर्मेंस से खुश थी। सारे प्रोड्यूसर ने अपनी कुर्सी को पीछे घुमा रखा था और अगर उनमें से किसी प्रोड्यूसर को विधि की परफॉर्मेंस पसंद आती तो वो बजर दबा के अपनी कुर्सी को स्टेज की तरफ घुमा सकता था। हालांकि अभी तक 6 प्रोड्यूसर्स में से सिर्फ अनिरुद्ध ने अपनी कुर्सी को स्टेज की तरफ घुमाया था। उसके पास विधि को सपोर्ट करने के अलावा
और कोई चारा नहीं था। बाकी के बचे प्रोड्यूसर्स अभी तक अपनी कुर्सी का फेस दूसरी तरफ करके बैठे हुए थे, बल्कि अनिरुद्ध विधि को घूर घूर के देख रहा था। अनिरुद्ध की नजरों में देखकर विधि को समझ आ गया कि अगर वो इस समय स्टेज पर नहीं होती तो अनिरुद्ध उसको कच्चा चबा जाता। अनफॉर्चुनेटली विधि को चूज करने के लिए अनिरुद्ध की टीम में जगह नहीं बची थी। अनिरुद्ध को जितना गुस्सा आता रहा, विधि अपनी परफॉर्मेंस के लिए उतनी ही खुश होती रही। वो अनिरुद्ध को देखकर खुश होकर मुस्कुराने लगी। तभी बजर की आवाज के साथ एक कुर्सी स्टेज की तरफ घूम गई। विधि उस कुर्सी को घूमते हुए देख इतना डर गई कि वो अपने लिरिक्स भूल गई। वो कुर्सी उत्कर्ष सिंह की थी। ऑडियंस और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए बाकी के सारे आर्टिस्ट उस कुर्सी को घूमता देख हैरान हो गए। शायद उत्कर्ष ने गलती से बटन दबा दिया है ना? मुक्ति घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस को कैसे पसंद कर सकते हैं? मुक्ति के अंदर इतनी आग इसीलिए लगी क्योंकि जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी तब भी उत्कर्ष ने बजर नहीं दबाया था। इस रीजन की वजह से मुक्ति परफॉर्म करते हुए बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल का एक अनरिटन रूल था, हर प्रोड्यूसर को अपनी कंपनी के आर्टिस्ट के लिए बजर बटन दबाकर उस आर्टिस्ट को अपना सपोर्ट दिखाना जरूरी था। इस रूल के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद भी उत्कर्ष ने इस रूल को तोड़ते हुए मुक्ति को अपना सपोर्ट नहीं दिखाया। जब मुक्ति वहाँ स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी तब शुरुआत से आखिर तक उत्कर्ष ने बजर बटन नहीं दबाया और कुछ करके इस जेस्चर को देखकर मीडिया वाले मुक्ति के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। हालांकि ब्रेक के टाइम उत्कर्ष ने मीडिया वालों को बताया कि मुक्ति जैसी न्यू कमर के लिए इतना एरोगेंट होना सही नहीं है। उसके हिसाब से किसी भी न्यू कमर के अंदर इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मुक्ति अच्छी तरह जानती थी कि उत्कर्ष उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों था? दीवा विधि के समय उत्कर्ष उसके साथ अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? मुक्ति को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इस समय उत्कर्ष को विधि के लिए कुर्सी को घुमाता देख मुक्ति के दिल में आग लग रही थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। चेतन भाई, मुक्ति ने अपना सर ऊपर उठाया और चेतन की ओर देखने लगी। देखते ही देखते मुक्ति की आंख से आंसू टपकने लगे। हालांकि इस समय चेतन अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। वो अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहा था कि विदुषी की इतनी बेकार परफॉर्मेंस को देखकर उत्कर्ष ने इतनी आसानी से अपनी कुर्सी पीछे क्यों घुमा दी। गाने को इस तरह खत्म करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विधि ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी। वो मुस्कुराते हुए राहत की सांस लेने लगी। फॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो बेस्ट प्रोड्यूसर्स के अलावा किसी ने भी अपने बजर बटन नहीं दबाया। गाना खत्म होने के बाद बैकस्ट्रीट कंट्रोल ऑर्गेनाइजर ने बाकी प्रोड्यूसर्स की कुर्सी विधि को फेस करने के लिए स्टेज की तरफ घुमा दी। इन चारों प्रोड्यूसर्स के उतरे हुए चेहरे देखकर विधि को और भी ज्यादा खुशी मिली। स्टेज एंकर विधि के पास माइक लेकर आया और प्रोड्यूसर के सामने बोलने लगा, जो सॉन्ग अभी मिस विदुषी ने गाया वो काफी स्पेशल था। हालांकि मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, अनिरुद्ध और विदुषी सेम कंपनी से हैं, तो अनिरुद्ध का तो मैं सपोर्ट करना जायज है, लेकिन स्टेज एंकर उत्कर्ष की तरफ देखने लगा। उत्कर्ष, तुमने अपना बजर क्यों दबाया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि विदुषी ने बहुत अच्छा गाना गाया? सारी नजरें उत्कर्ष पर जाकर टिक गई। सब लोग उत्कर्ष का जवाब जानना चाहते थे। आखिरकार विधि का गाया हुआ गाना कुछ ज्यादा ही स्पेशल और हैरान करने वाला था।